यूपी के लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर निगम सदन में जबरदस्त बवाल हुआ है, ये बड़ी खबर। पार्षद ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाए हैं और सरोजनी नगर वार्ड के पार्षद ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर आयुक्त आरोपों से हुए नाराज और सरोजनी नगर वार्ड पार्षद और नगर आयुक्त में भी बहस हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरोजनी नगर वार्ड के पार्षद ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही नगर आयुक्त आरोपों से नाराज हो गए हैं। सरोजनी नगर वार्ड पार्षद और नगर आयुक्त में ये बहस हुई है और पार्षद को पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। पार्षद राम नरेश रावत ने नगर आयुक्त से कहा कि ऐसा क्या ऑफर मिला जो कंपनी को टेंडर मिला है। साथ ही पार्षद ने कहा कि पुलिस आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां नगर निगम सदन में जबरदस्त बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। पार्षद ने नगर आयुक्त पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं और सरोजनी नगर वार्ड के पार्षद ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। नगर आयुक्त आरोपों से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। ये सदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आज ये बवाल हुआ है। साथ ही बता दें कि पार्षद ने नगर आयुक्त पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, लखनऊ में जिस तरीके से नगर निगम सदन में ये बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? राशिद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नगर वार्ड के पार्षद जो है वो लगातार जो टेंडर को लेकर जो सुषमा खड़गवाल है उनसे बहस कर लिया था, जिसमें के सुषमा खड़गवाल ने कहा कि जिस तरह से आप बहस कर रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने पुलिस को पकड़ने का आदेश दिया, जिसमें से पुलिस अभी पकड़ नहीं पाई है। राशिद, वही बात करें तो पार्षद जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो क्या लगता है ये जो मांग की जा रही है पुलिस को बुलाकर गिरफ्तारी कराने की, ये क्या नया मोड़ ले सकती है? जी, जो पार्षद है राम नरेश रावत है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर पुलिस हमको पकड़ती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुषमा खड़गवाल से उन्होंने बदतमीजी किया उसको देखते हुए, क्योंकि जो टेंडर मिले हैं टेंडर के खिलाफ जो पार्षद है वो लगातार बोलते आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ लखनऊ में जो पार्षद है उन्होंने कहा कि जिस तरह से घपलेबाजी, एक ही ठेकेदार को बार बार टेंडर दिया जा रहा है, उसको देखते हुए दूसरे का क्या, दूसरे ठेकेदार नहीं है? वही राशिद, अगर बात करें तो इन सब आरोपों के बाद नगर आयुक्त नाराज होते हुए नजर आए, तो उनका किस तरीके का व्यवहार देखने को मिल रहा है और क्या कुछ कदम अभी तक उनकी ओर से उठाए गए हैं? जी जी सर, नगर आयुक्त ने कहा है कि अगर किसी भी तरह की और बदतमीजी की जा सकती है, अगर दूसरी बात यह है कि अगर वो बदतमीजी करते हैं तो दोबारा उनको पुलिस की चेतावनी नहीं दी जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है राशिद अलवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां आज नगर निगम सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पार्षद ने नगर आयुक्त पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही नगर आयुक्त इन आरोपों से नाराज हुए हैं। पार्षद को पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करने के लिए भी कहा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नगर निगम सदन में जिस तरीके से आज ये बवाल हुआ, ये हंगामा हुआ, नगर आयुक्त पर सीधे तौर पर बड़े आरोप लगाए गए हैं।